if we can have a small presentation from Sridhar, and then we go into the statements of solidarity from the fighters on the ground across India and Bangladesh. Sridhar? So let me go ahead straight away. I'll not... Can I share my presentation and start yes, off? Yes, please do. Please do. जो मैं अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन है तो मैं हिंदी में ही ज्यादा बोलूंगा. तो ये कलाबाज होते हैं ना जो ऐसे दौड़ते हैं, तो एक समय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि अडानी ऐसा ट्रेपीज आर्टिस्ट है, वो एक जगह से दूसरे जगह, एक कंपनी से दूसरा कंपनी कैसे कूदता है, और एक ना एक दिन ऐसा गिरेगा कि सबको लेके डूबेगा. तो आज के दिन अगर जिस बात पे हम विषय में चर्चा कर रहे हैं, वी आर टुडे टॉकिंग अबाउट द ग्रेट रिप ऑफ ऑफ अडानी, जो कोयला ऑस्ट्रेलिया से वहां के आदिवासी लोगों से लेके वहां के मछुआरों को तंग करते हुए, फिर यहाँ के मछुआरों को तंग करके गोड्डा में आदिवासियों को फिर तकलीफ देके फिर बांग्लादेश को ज्यादा कीमत में बेचेगा. तो ये ए अगर उड़ेगा तो हम सब जो है फेल हो जाएंगे. तो ये उड़ना नहीं चाहिए, इसके लिए हम क्या करें? सो इफ मिस्टर ए फ्लाइज वी ऑल फेल. नाउ दिस इज व्हाट इज द मेज दैट मिस्टर अडानी हैज क्रिएटेड. और एक ये हमारे देश में तीन स्क्रैप डीलर्स जो परंजय ने बताया शुरू शुरू में कि 90 के दशक तक ये लोग जो है कुछ सोना चांदी भी बेचते थे, मगर ज्यादा जो है प्लास्टिक और लोहे का स्क्रैप बेचते थे, चाहे ये हो लक्ष्मी मित्तल हो या हमारे अनिल अग्रवाल हो. तो वहां से लेके जो है इतना कारोबार उन्होंने बढ़ा लिया, और अभी लास्ट में कुछ अभी इनको एयरपोर्ट भी मिल रहा है. तो ये जो 16,000 मेगावाट का है तो इसमें अडानी जी कहते हैं ये इंडिया को भी पावर करेंगे और आसपास के लोगों को भी पावरिंग अहेड करेंगे. तो ये प्रोजेक्ट और इसका रेटिंग का क्या बेसिस है, उसी को मैं लेके मैं बात करूंगा ज्यादा. तो ये जो इसमें कोई भी क्यों है इसके लिए पैसा दे रहा है, अगर ये ऐसे डूबने वाला एक कारोबार है, if it is such a bad investment, why are people investing on it? तो ये देखा जाए कि all obligations जो और लोगों ने भी आज बताया और तुहिन ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि all the obligations including payment obligations of the Bangladesh Power Development Board under the PPA are guaranteed as a sovereign guarantee of the government of Bangladesh. तो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश कुछ भी हो ये पैसा देगा. तो अभी हाल ही में कुछ करीब इसको जोड़ेंगे आपको तो 4,500 करोड़ का एक लोन के लिए उसका रेटिंग इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसीज ने ये जो है उनको कर्ज देने के लिए सरकार को और प्राइवेट बैंक्स को रेटिंग करके दिया. और जैसे भी रेटिंग एजेंसी होते हैं वो एक छोटा सा जो ये लिख के बोलते हैं, जो हम बोलते हैं फाइन प्रिंट, कि अभी ये इतना लोन आप दे सकते हैं, ये ग्रेड में है, ऐसा करके बताया है. तो उसके लिए ये जस्टिफिकेशन क्या दिया था इन्होंने कि जब ये प्रोजेक्ट आया गोडा में तो इनके पर्यावरण के आकलन में इन्होंने जस्टिफिकेशन ये दिया कि लोड शेडिंग जो है कम हुआ था, फिर गैस शॉर्टेज और जनरेशन नहीं होने के वजह से 32 पावर प्लांट जो है बांग्लादेश सरकार बना रहा है उसमें ये भी शामिल है, और इस वजह से जो है ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है. और ये जो 2000 अभी तुहिन ने जो बताया 2010 या 2013-14 का जो परिस्थिति है उससे आज का परिस्थिति काफी फर्क है. व्हाट द सिचुएशन टुडे इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे जस्टिफाइड फॉर देमसेल्फ्स इन द ईआईए ऑन फॉर द प्रोजेक्ट इन गुडा.
अभी जो लास्ट एफिडेविट उन्होंने मेरे केस में बताया है, जो मैं उनके खिलाफ जो है, क्योंकि मैंने देखा पर्यावरण का मुद्दा बहुत बड़ा है, तो इसका जो है 2017 से जब इसका मिला उसके एक महीने के बाद से ही हम लगातार एनजीटी में इसको इसके खिलाफ जो है हम लोग केस लड़ रहे हैं। तो इसमें एफिडेविट में जो अभी जो है 4 दिन पहले इन्होंने एफिडेविट जो फाइल किया उसमें ये बता रहे हैं कि ये जो है बांग्लादेश के आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है और ये हमारे वजह से अगर थोड़ा रिस्क जो है वो ज्यादा हो जाता है और ये इनका कंस्ट्रक्शन डिले हो जाता है तो हमारे एक दूसरे के जो है अंतरराष्ट्रीय मामला है और दोनों का रिश्तों में जो है असर पड़ेगा। और हमारा ये कहना है कि आज के दिन में जब ये एमओयू 2010 में साइन किया होगा उसका समय अलग था, आज के दिन में हम जानते हैं हमारे देश में करीब 40,000 मेगावाट जो है बना बनाया पावर प्लांट पड़ा हुआ है। अगर ऐसे कोई दिक्कत है तो हमारा सरकार आज के दिन, अगर बांग्लादेश चाहती है आज के दिन में हम उनको 40,000 मेगावाट तक पावर दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास उपयोग करने वाला नहीं है और हमारे बैंक और सब लोग उस ऋण को भुगत रहे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है हमारे जो भी लोन दिया जा रहा है वो ये सरकार बांग्लादेश के सरकार के बलबूते ही दिया जा रहा है। और इसमें देखने वाली चीज ये है कि कोयला का कॉस्ट जो भी होगा वो अमेरिकन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे लिंक टू यूएस सीपीआई लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, जो यूएसए में होगा उसके हिसाब से जो है एक कोल का कॉस्ट जो है बांग्लादेश को हम बढ़ाते जाएंगे। फिर ये कह रहे हैं कि इनको इसलिए लोन देना चाहिए कि प्रोजेक्ट आज के दिन जो है, ये मैं कह रहा हूं जनवरी का ये आकलन है कि आज के दिन में जो है ये 27% जो है 25% होना था अभी तक 27% तक हो गया, इसलिए ये काम आगे तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए जो है इसको लोन देना चाहिए। मगर अभी आपने सुना कुछ लोग जमीन में जो है वो कह रहे हैं 60-70% हो गया होगा। और अभी जो एफिडेविट में एनजीटी के एफिडेविट में वो कह रहे हैं कि हमारे जैसे लोग उनको जो है केस करने की वजह से बहुत टाइट सिचुएशन हो गया है और सिर्फ 15% या 20% ही काम हुआ है। इसका मतलब है ये किस कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं, या तो जहां से पैसा ले रहे हैं उसको झूठ बोल रहे हैं या तो हमारे केस में एनजीटी में झूठ बोल रहे हैं। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि because this presentation can be made available to people. With later. Everyone. I'll go to what is most critical, you know. क्योंकि आप लोगों ने काफी सारे चीज सुने हैं, मैं ये हर एक विषय में नहीं जा रहा हूं क्योंकि जो है जो अभी बताया टिम बकले ने भी बताया कि करीब 10,000 करोड़ जो है वो सरकार दे रही है उसको, जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन दे रही है। मैं एक ही इस पे मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि एक तो बात यह है कि अभी जो अगस्त 6 को इन्होंने जो अपना क्वार्टरली रिजल्ट दिखाया है अडानी पावर ने, उसमें उसको काफी नुकसान, मतलब 31 मार्च तक 1,300 करोड़ का नुकसान था, अभी और 50 करोड़ का नुकसान बढ़ गया है। और इनको जितना भी आप देखेंगे, इस अभी तक आपने सब लोगों को सुना
इस प्रोजेक्ट को जितना भी आप कंसेशन है, SEZ है, सब कुछ दे दिया है, 25% पावर नहीं देने का ये भी छूट दे दिया है, तो और इनको टाइम टाइम पे प्रोजेक्ट कैसे बदलना है, अगर उसको पानी का स्रोत बदलना है और जो है ऊपर बनाना है नीचे बनाना है सब अनुमति दिया, उसके बावजूद भी ये बना नहीं पा रहा है। और ये कैसे अपना ये कारोबार जो है इतना बढ़ाया है वो मैं बताता हूं आपको। इसका राज क्या है कि जो हमारे एनर्जी प्लान है उसके हिसाब से बोलता है कि आज के दिन भी 1 MW का जो खर्च है वो 7 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता है, जो आम तौर से कोई अपना पावर प्रोजेक्ट लगा रहा है, मगर यहाँ एक कंसेशन के बाद जो है ये 7 करोड़ नहीं हो सकता है। तो अगर आप 1600 MW का लेंगे तो इसका खर्च जो है 1000 करोड़ से नहीं हो सकता है। तो जो ये दे रही है उनको लोन 10,000 करोड़ जो REC और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन दे रही है उसमें ये पूरा प्रोजेक्ट कर सकता है। तो अपना जो उसको 4,000 करोड़ दिखाना है वो पैसा भी इसी से निकालेगा, इसीलिए इसको 14,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिखा रहा है। और ये जो मैंने पहले बता दिखाया आपको, पहले वाला जो स्लाइड याद दिला रहा हूं मैं, कि कैसे ये जो है एक कंपनी का पैसा दूसरे जगह में लगा के, दूसरे जगह का पैसा यहाँ लगा के, ये ऐसे ही करते आया है कि आज के दिन जो है वो एक स्क्रैप डीलर जो है पहले उसका दाम बहुत ज्यादा बताना और लोन लेना और अपना पैसा निकालना और दूसरे प्रोजेक्ट में लगाना। तो ये प्रक्रिया और आगे जाने दें हम, तो ये नुकसान सिर्फ गोड्डा का नहीं है, ये एक ऐसा तरीका है कि ये सब लोगों को लेके डूबेगा। मगर इसका एक और ये भी है कि इसको एक कंपनी से आप हटाएंगे तो जैसे भी ये कलाबाज होते हैं उनका एक तार या कोई टूट जाता है तो वो फटाक से सब नीचे गिरते हैं। तो आज के दिन मैं चाहता हूं कि हम सब मिलके, जैसे आनंद भाई ने कहा और लोगों ने कहा, हम मिलके एक दो जगह इनको हिलाए तो ये इनका पूरा जो कारोबार है वो एकदम से नीचे आएगा, क्योंकि जब तक ये ए फेल नहीं करेगा और लोग नहीं पाएंगे। धन्यवाद, नहीं तो हम पे करेंगे और अडानी जी उड़ते रहेंगे। No, no, no. We will at least persevere and try to see that Adani fails and we all fly high. Thank you so much, Sridhar from Environics Trust.